ये रेस जिंदगी की रेस है। मुझे हरा कर कोई मेरी जान भी ले जाए मुझे मंजूर है, लेकिन धोखा देने वाले को मैं दोबारा मौका नहीं देता। मैं अपनी हार को भी सेलिब्रेट करता हूं। जो आदमी बहुत हंसता है वो रोता भी बहुत है। क्या फिर से रेस ओवर एक्शन और VFX की वजह से फेल होगी? रेस 3 के फेल होने की वजह से क्या लोग रेस 4 देखेंगे? क्या हमेशा की तरह रेस के गाने हिट होंगे? नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन ग्रोवर। रेस 3 के नेगेटिव रिव्यूज के बाद मेकर्स ने काफी स्ट्रेस है कि अब वो रेस 4 के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि रेस मूवी सीरीज बॉलीवुड की काफी हिट सीरीज में से एक है। रेस 1 एंड 2 ऑडियंस और क्रिटिक्स को काफी पसंद आई थी। मूवी एक अच्छी स्टोरी लाइन पे बेस्ड थी और एक्शन सीन्स भी काफी जबरदस्त थे। लेकिन फिर वो दिन आया 2018 में जिस दिन रेस 3 लॉन्च हुई और इसने पूरी मूवी सीरीज को खराब करके रख दिया। रेस काफी अच्छी मूवी थी और जब इसका सेकंड पार्ट यानी कि रेस 2 लॉन्च हुआ था उसको भी लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। रेस 2 के एक सीन को लोगों ने बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया था। वो सीन था प्लेन वाला सीन जिसमें जॉन अब्राहम और जैकलीन फर्नांडिस प्लेन से पैराशूट लेके जंप करते हैं और पीछे पीछे सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण कार में इनबिल्ट पैराशूट से जंप करते हैं। रेस 3 के खराब होने का एक और रीजन था खराब स्टोरी लाइन जो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाई और फेल हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि रेस 3 में जो गड़बड़ मची थी उससे लोग रेस 4 को देखने के लिए ना जाएं या फिर एक्साइटेड ना हो। लेकिन फिर भी ये बात है कि रेस 3 के गाने हमेशा की तरह पॉपुलर रहे और लोगों ने इन सॉन्ग को काफी ज्यादा प्यार भी दिया। लोगों को जितनी रेस सीरीज पसंद है उतने ही लोगों को इसके गाने भी पसंद है। इस बार भी क्या हिट सॉन्ग्स की लेगेसी कंटिन्यू रहेगी? आपका क्या मानना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएगा। बेहरहाल पिछली सभी गलतियां रेस 4 में ना रिपीट हो इसके लिए सबसे पहले तो एक अच्छी स्टोरी लिखनी होगी, और चाहे भले ही पिछली मूवी की स्क्रिप्ट कंटिन्यू करनी पड़े या फिर न्यू बनानी पड़े, ये सब मेकर्स पर डिपेंड है। दूसरा, ओवर एक्शन और VFX का इतना ज्यादा यूज नहीं होना चाहिए कि लोगों को कोई कार्टून मूवी लगे। जब VFX टेक सभी के पास सेम है तो क्यों बॉलीवुड की फिल्में इस मामले में साउथ या फिर हॉलीवुड से पिछड़ी रही हैं? खैर, ये एक अलग डिबेट का मुद्दा है। वापस आए रेस 4 पे तो इसके कास्ट पे ध्यान देने की जरूरत है ताकि कैरेक्टर और उनकी पर्सनैलिटी एक दूसरे में फिट बैठे। और डिटेल्स के लिए चैनल की और भी वीडियोस देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अलविदा।